बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैंस, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने लाइफ को जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा ये चैनल ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से है और मैं इस चैनल पर ऐसे तमाम वीडियोज अपलोड करता रहता हूँ जो ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से हो। मेरा नाम शहजाद आलम है और वक्त जाए किए बगैर चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इस सीरीज में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से हम अमेज़ोन पर मौजूद एफिलिएट प्रोडक्ट्स की वीडियोज़ जो है वो बनाकर YouTube पर उनको प्रमोट कर सकते हैं। आप Amazon के अलावा काफ़ी और नेटवर्क्स भी यूज़ कर सकते हैं जिनमें GearBest है और Commission Junction मौजूद है। इनके ऊपर वीडियोस जो है वो मैं सेपरेट बनाऊंगा और आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी कीवर्ड लिस्ट दूंगा जो आप अपनी वीडियो में अप्लाई करेंगे और साथ ही मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने वीडियो पर ज़्यादा व्यू ला सकते हैं। तो ये मैंने आपके लिए एक लिस्ट तैयार की है। ये उन तमाम तर कीवर्ड्स की लिस्ट है जो इंटरनेट पर ज़्यादा सर्च होते हैं और मैंने अपने एफिलिएट अर्निंग के जर्नी में इन तमाम कीवर्ड्स को बेहतर पाया है। आई यूजुअली दीज कीवर्ड्स इन माय वीडियोस एंड आई प्रेफर टू यूज दीज कीवर्ड इन द वीडियो टैग्स, वीडियो टाइटल्स एंड डिस्क्रिप्शंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द कीवर्ड विद द नेम ऑफ बाय। व्हेनेवर यू ऐड बाय इन द प्रोडक्ट नेम, इट डेफिनेटली जनरेट ए कॉल टू एक्शन एंड यूजर आर कंपेल्ड टू बाय दैट प्रोडक्ट। सो यू कैन यूज द बाय कीवर्ड इन द स्टार्ट ऑफ योर वीडियो टाइटल एंड देन टाइप योर प्रोडक्ट नेम दैट यू आर गोइंग टू प्रमोट इन द एफिलिएट मार्केटिंग। द सेकंड कीवर्ड वी आर गोइंग to use is the get keyword. Get is the word that initiates a buying process in the viewer's mind and delivers a good call to action. अब आपको यहाँ पर सिर्फ ये करना है कि buy के बाद जो product name है वो आपने select कर। अगर आप शहजाद आलम की तरह इतना ही पैसा ऑनलाइन कमाना चाहते हैं और घर बैठे ही अपनी ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल बेस्ट मनी मेकर्स को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो जो है वक्त पर मिलती रहे। और वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। आपका बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट आप प्रमोट कर रहे हैं उसका नेम आपने कॉपी करना है। अब नेम आपने एज इट इज़ कॉपी नहीं करना, इसके लिए आपको मैं एक स्पेशल ट्रिक बता रहा हूँ। वो ये है कि आपने कंपनी नेम छोड़ देना है, उसके बाद खसूसियत है जो इसकी फंक्शनैलिटी है यू हैव टू कॉपी दैट वन। ओके, दिस प्रोडक्ट हैज़ द स्पेशलिटी ऑफ टच स्क्रीन डेडबोल्ट विद बिल्ट इन अलार्म लॉक, सो जस्ट आई कॉपी इट एंड पेस्ट इट राइट हियर विद द कीवर्ड बाय। ओके, द क्लिक थ्रू रेट ऑन आवर यूट्यूब थंबनेल और यूट्यूब वीडियो वी विल टाइप हियर बाय द, प्लीज कीप इन माइंड दैट व्हेनेवर यू क्रिएट टाइटल फॉर योर यूट्यूब वीडियोज जस्ट चेक द grammatical mistakes. You should not have any grammar mistakes in the title of the YouTube video. Okay, now we have the keyword buy the best touch screen deadbolt with built-in alarm. This will be the title of the video. Simply. Okay, अब ये होगी title की बात। टाइटल के बाद अब हम यहाँ पर टैग्स की बात करेंगे। तो टैग्स मैं यहाँ पर आपको बनाना सिखाऊंगा किस तरह से आपने बनाना है। एक बात जहन में रखें कि वीडियो की रैंकिंग में टैग का इतना ज्यादा अहम किरदार नहीं होता जितना ज्यादा टाइटल और थंबनेल का होता है। सो टैग्स आर नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट दैट एज द टाइटल ऑफ द वीडियो एंड द थंबनेल ऑफ द वीडियो, बट दे डू हैव सम रोल इन द वीडियो रैंकिंग। ओके, नाउ वी विल क्रिएट टैग फॉर दिस टाइटल। नाउ दिस प्रोडक्ट हैव एलेक्सा कनेक्टिविटी, सो आई विल मेंशन एलेक्सा राइट ओवर। तो इस तरह से हम अपने वीडियो की जो है वो टैग तैयार करेंगे। अब कुछ लोग ये करते हैं कि उन्होंने कीवर्ड सजेशन में से उठानी होती है कीवर्ड्स और उनको उठा के जो है ना वो भर देते हैं टैग्स में। उससे क्या होता है कि आपकी वीडियो लिमिटेड हो जाती है सिर्फ चंद ऐसे व्यूअर्स के लिए जो सिर्फ उन्हीं टैग्स को सर्च करते हैं। ये मिलियन डॉलर बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई भी यूट्यूबर आपको नहीं बताएगा। ये वो लोग जानते हैं जिनकी वीडियोस ट्रेंडिंग में जाती हैं, जैसे मेरी अपनी वीडियोस जो है वो ट्रेंडिंग में जाती हैं गेमिंग चैनल के हवाले से। जो मेरी वीडियोस हैं 3-3 मिलियन 4-4 मिलियन व्यूज जो है जस्ट आफ्टर अपलोड 48 आवर्स ले लेती हैं। तो वो कैसे लेती हैं? वो इसी तरह से लेती हैं कि उनके ऊपर हम टैग्स नहीं इस्तेमाल करते। टैग्स में सिर्फ ये आप स्पेसिफाई करते हैं कि ये वीडियो इन व्यूअर्स के लिए लिमिटेड है। तो आपने यहाँ पे मिनिमम टैग यूज करनी है और ज्यादा टैग्स का इस्तेमाल कभी भी अपनी वीडियो में ना किया करें अगर आप यूट्यूब है या अगर आप एफिलिएट मार्केटर हैं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है और इसका आपको रिजल्ट आने वाले दिनों में जरूर मिलेगा। और ये पूरे के पूरे जो कीवर्ड्स उठा के डाल देते हैं टैग्स के अंदर घुसा देते हैं, ये तरीकाकार बिल्कुल गलत है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कोई खास इतना बड़ा इसका रोल नहीं होता। जस्ट आपका वॉच टाइम और आपका टाइटल और आपका थंबनेल, थंबनेल जो है वो आपका थ्रू रेट बढ़ाएगा। जितना क्लिक थ्रू रेट बढ़ेगा आपका उतनी आपकी वीडियोस पे व्यूज आएंगे। जितना व्यूज आएंगे उसमें जो उनका कंटेंट होगा उसके मुताबिक जो है यूट्यूब का एल्गोरिथम आपका वॉच टाइम देखेगा। वॉच टाइम अच्छा हुआ तो आपकी वीडियो को आगे ब्राउज फीचर या सजेस्टेड वीडियोस में प्रमोट करेगा। यही का यही यूट्यूब के ऊपर कामयाबी का फार्मूला है और कोई भी ऐसा फार्मूला नहीं है।
ये कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन हो रही है, उसके बाद ये एसईओ हो रहा है, कीवर्ड टूल लगे हुए हैं, पता नहीं क्या कुछ हुआ हुआ है। आधे मिनट की वीडियो बनाते हैं और तीन तीन घंटे जो है उसके ऊपर लग रहे हैं कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर, तो ये कोई तरीका नहीं है। तो उसके बाद मैं इसको यहाँ पर जो है वो रेड कर देता हूँ। रेड मैं क्यों करता हूँ, उसकी वजह यह है कि आपको यूट्यूब का सब्सक्राइब बटन भी रेड नज़र आ रहा है। अगर आपने पहले से सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि वो रेड कलर जो है वो खत्म हो जाए बिल्कुल ऐसे। थैंक यू। ओके, नेक्स्ट जो कीवर्ड है गेट के साथ आप प्रोडक्ट नेम यूज करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर यूज किया है। उसके बाद प्रोडक्ट नेम सप्लायर्स ऐड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है प्रोडक्ट नेम के साथ आप डिस्काउंट लगा सकते हैं, प्रोडक्ट नेम के साथ कूपन लगा सकते हैं, प्रोडक्ट नेम के साथ डील लगा सकते हैं। डील का जो वर्ड है ये टायर 2 कंट्रीज में ज्यादा कॉमन होता है, आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है बेस्ट वर्ड के बाद प्रोडक्ट नेम लगा सकते हैं। अब प्रोडक्ट नेम यहाँ पर आप जो है इस तरह से एज इट इज़ नहीं लगाएंगे, बल्कि उसकी जो रेलेवेंट कैटेगरी है उस हवाले से आप लगाएंगे। अब मैंने यहाँ पर गैजेट्स में इस कैटेगरी का इंतखाब क्यों किया हुआ है, क्योंकि अलेक्सा जो है वो अमेज़ॉन की अपनी प्रोडक्ट है और अलेक्सा के साथ जो प्रोडक्ट्स रिलेटेड हैं वो सारी की सारी जो है प्रमोट होती हैं, क्योंकि अमेज़ॉन का जो A9 एल्गोरिथम है वो अलेक्सा की प्रोडक्ट्स को ज्यादा सपोर्ट करता है, बिकॉज अलेक्सा इज ए प्रोडक्ट इटसेल्फ बाय अमेज़ॉन। तो डेफिनेटली अपनी ही चीजों को ज्यादा आगे लाएंगे और उससे जो कंपेटिबल चीजें हैं उनको ज्यादा आगे लाएंगे ताकि उनकी प्रोडक्ट्स की सेल जो है वो इंक्रीज हो। तो मैं यहाँ पर चूज करता हूँ बेस्ट अलेक्सा डोर लॉक्स। इसी तरह से मैं आगे टैग जनरेट करूंगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक का बटन लाजमी दबा दीजिएगा, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी और आपको आने वाली वीडियोस हैं वो जरा जल्दी मिला करेंगी। उसके बाद नेक्स्ट जो कीवर्ड है वो ये है कि बाय प्रोडक्ट नेम ऑनलाइन। अब यहाँ पर यही जो है कॉम्बिनेशन मैं यहाँ पे बना देता हूँ इसका थोड़ा सा आपकी आसानी के लिए, बाय The best Alexa door locks online। अगर आप Amazon का affiliate network नहीं use कर रहे, GearBest use कर रहे हैं जिसकी video इस channel के ऊपर मौजूद है आप देख सकते हैं, तो इस word को हटा सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। उसके बाद जो next मेरा favorite keyword है इन सब में से वो ये है I want a, आगे product name I want a door lock with more security। तो यहाँ पर मैंने एक title दे दिया video का I want a door lock With more security। इससे भी आपके जो व्यूअर्स है उसकी अटेंशन जो है वो बाइंग मोड की तरफ जाएगी और मोस्ट लाइकली आपकी प्रोडक्ट जो है वो सेल होगी। ये सारी बातें जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ये अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे करता हूँ, ठीक है ना। मुझे 7 साल का एक्सपीरियंस है Amazon सेलिंग में और उन 7 सालों में मैंने काफी ज्यादा सेल की है और काफी ज्यादा कमीशन कमाया है। ये $60-65 डेली मेरे लिए जो है कोई अहमियत नहीं रखता, मैंने इसके ऊपर काफी ज्यादा कमीशन कमाया है। उसके बाद नेक्स्ट जो कीवर्ड है प्रोडक्ट नेम, आगे स्पेसिफिक वेरिएंट से मुराद ये होती है कि मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि मैं यहाँ पे थर्मोस्टेट्स की कैटेगरी में आ जाता हूँ। ओके, दिस वन बेस्ट वाईफाई स्मार्ट थर्मोस्टेट एंड आई विल राइट हियर। और इसके साथ मैं इसकी यहाँ पर एक ऐसी जो है डिस्क्रिप्शन में से इसकी जो है ऐसी एक ये टेक्स्ट जो है इसका कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं इसे मेंशन कर देता हूँ। ओके, ये प्रोडक्ट नेम आ गया, इसी की डिस्क्रिप्शन में से जो है एक वर्ड उठाकर इसके साथ डाल दिया और इसके साथ मैं बायर कीवर्ड यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, बाय वाईफाई स्मार्ट थर्मोस्टेट विद एक्सटेंसिव कंपैटिबिलिटी, वेल एंड गुड। ये एक बेहतरीन टाइटल हो गया। उसके बाद वेयर कैन आई बाय प्रोडक्ट, प्रोडक्ट नेम सिंपली आप चूज करेंगे यहाँ पर ऑनलाइन प्रोडक्ट नेम स्टोर, यहाँ पर आप प्रोडक्ट नेम डालेंगे ये स्टोर और यहाँ पे ऑनलाइन का वर्ड यहाँ पर रहने देंगे। यहाँ पर आप स्टोर की जगह के ऊपर अपने एफिलिएट वेबसाइट का नाम भी लिख सकते हैं और अपनी वीडियोज के ऊपर ज्यादा ट्रैफिक ला सकते हैं। ये सारी की सारी लिस्ट जो है ये ऐसे नहीं बनाई मैंने, इसके ऊपर मेरी मेहनत है और इस लिस्ट को आपने अपने पास सेव रखना है। उसके बाद प्रोडक्ट नेम डायरेक्ट, और जो इनमें से मेरा दूसरा फेवरेट कीवर्ड है वो ये है प्रोडक्ट नेम नियर बाय। अब यहाँ पे नियर मी भी हो सकता है और नियर बाय भी हो सकता है। नियर बाय में जो है वो बायर जो है वो लोकेशन टाइप करेगा अपने सिटी की और नियर मी में जस्ट वो गूगल मैप की हेल्प लेगा और वहां से जो है प्रोडक्ट्स जो है वो परचेज करना पसंद करेगा जो उसके करीब तरीन स्टोर के ऊपर अवेलेबल होंगी और इसमें आपकी रैंकिंग जो है वो ज्यादा बेहतर हो जाएगी अगर आप इस कीवर्ड को यूज करते हैं। नियर मी का वर्ड ऐसा है जो हर चीज के साथ लगता है, ये एक थंब रूल है कि नियर मी कीवर्ड का इस्तेमाल हर जगह पर होता है। उसके बाद नेक्स्ट कीवर्ड्स हैं यहाँ पर प्रोडक्ट नेम फॉर सेल, प्रोडक्ट नेम टू बाय, प्रोडक्ट नेम कंपनीज, प्रोडक्ट नेम इन स्टॉक और बेस्ट ईयर। उसके बाद यहाँ पर मैंने आपके एक कीवर्ड बना के दिया है कि बेस्ट टॉप 3 गैजेट्स इन ईयर 2020। सो यू कैन यूज दिस कीवर्ड्स इजीली एंड इंक्रीज योर वीडियोस रैंकिंग इन द यूट्यूब एल्गोरिथम। आई एम हैविंग सो मेनी क्यूरीज अबाउट यूट्यूब एल्गोरिथम, आई हैव नो आइडिया दैट आई शुड मेक वीडियोस अबाउट इट और नॉट, सो यू शुड टेल मी दैट वेदर आई शुड मेक वीडियोस ऑन द यूट्यूब एल्गोरिथम और जस्ट स्टे विद एफिलिएट मार्केटिंग एंड अदर स्टफ लाइक दिस। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग एंड लर्निंग मोर सीक्रेट्स अबाउट यूट्यूब,
जस्ट टेल मी इन द कमेंट्स, मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा YouTube एल्गोरिथम के बारे में सीखना चाहते हैं या नहीं सीखना चाहते, और कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप मजीद सीखना चाहते हैं। ये सारी बातें आपको फ्री मिल रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इनको जस्ट डस्टबिन में डाल देना है, ठीक है, आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है। और मेरी तमाम तर दुआएं जो है आपके साथ हैं। इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आई रिक्वेस्ट अगेन, लाइक सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।